लंकापति है जो दशानन रावण ए पल दो पल का मेहमान है अभी यहाँ तो 40 वर्षों से रावण बन के राम के तीर खा चुका हूँ। जो राम का जयकारा नहीं लगाते वो रावण की सेना होती है। तो दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। मार मार के भूतनी काट दी सुग्रीव जी रावण की सेना की। अभी तक महाराज का वीडियो है थे फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब पर, अब थे माना डेस्क को सबसे पहले आप मारे ऐप के ऊपर आप जाओ गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करो झलको ऐप ने थारे आसपास की देसी अंदाज में हर पल की खबर ही बताने मिलेंगी। सगला दर्शक ने राम राम, मैं थारो बिली आशु थे देख ला रहे हो झलको हनुमानगढ़। और मेरे साथ खड़िया है जो लंकापति है जो दशानन रावण ए पल दो पल का मेहमान है अभी यहाँ तो बातचीत करांगे। दशहरो है जक्शन को जो जो दुर्गा मंदिर समिति है जक्शन की बार रामलीला खिलावा लाग रही है 20 साल बाद के अंदर जक्शन की दुर्गा मंदिर जो धर्मशाला के अंदर रामलीला हो लाग रही है वापिस। और जो पहली बार है अठे भव्य जो दशहरो है जक्शन ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने दशहरे को आयोजन करे जाए लाग रही है समिति के द्वारा। 20 समिति का एक कलाकार है अभी कुछ देर के अंदर है जो 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 पुतला दहन का कार्यक्रम वो भी होगा। भी पहला जो रावण की जो सेना है चंद पल दो पल का मेहमान है सारा का सारा। आऊँ अब बातचीत कर लिया अरबी के बाद में तो अगला साल ही बातचीत हो पाओगी। सारू पहला तो भाई साहब थारो नाम बताओ के नाम है थारो। मैं पंडित गिरिराज शर्मा पिछले 40 वर्षों से रावण बन के राम के तीर खा चुका हूँ। 40 सालों लगातार खा रहे हो? बिल्कुल 41वां वर्ष है। तो फिर भी मरिया को नहीं भाई जी, बुराई कभी मर नहीं सकती। सीधी सी बात तो ये है कि अच्छाई दब जाती है, बुराई समय के लिए दब जाती है, अच्छाई लेकिन आएगी और बुराई चमकती रहती है। क्योंकि आज धर्म में राजनीति घुस गई है, राजनीति का धर्म खत्म हो गया है तो बुराई कहाँ खत्म होगी। रावण आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगा अगर यूं ही चलता रहा। और ही दौड़ चलते रावण हमेशा जिंदा रहोगे, मरोगे को नहीं। हर इंसान के अंदर एक ना एक रावण छुपे हुए रूप होते हैं। इंसान के अंदर राम भी होता है, रावण भी होता है। अगर आप विचारों के अंदर रावण को प्रकट करोगे तो रावण तो है ही, और राम के रूप में अपने विचार प्रकट करोगे तो राम बन सकते हो। लेकिन राम बनने के लिए रावण को तीर मारना भी जरूरी है। रावण ने सीता का हरण किया तो मर्यादा में रह के किया, और उस मर्यादा के अंदर एक बात देखिए, सीता को अशोक वाटिका में रखा तो महिलाओं की पहरेदारी में रखा, त्रिष्टा दुर्मुखी विकटा नाम की राक्षसियों ने पहरा दिया। और जब जब सीता के समक्ष रावण चाहे धमकाने या समझाने जाता है, बिना अपनी पत्नी मंदोदरी के कभी नहीं गया, इससे बड़ी मर्यादा क्या होगी। रही बात सीता हरण करने का, कोई पाप नहीं था, उसने अपने और अपने पूरे कुल का उद्धार करने के लिए ये कदम उठाया था। बताओ ला रहे हो लगभग 40 सालों से रावण बना लाग रहे हो, ठीक है, और हर साल मतलब वध थारू ही हो, बी टाइम के मतलब फीलिंग आवे, के महसूस हो? अच्छा लगता है, हम सोचते हैं लोगों को कुछ समझा जाए, कुछ बता जाए, क्योंकि रावण के अंदर जो बुराइयों के साथ अच्छाइयां भी थी, लेकिन वो अच्छाइयां कहीं ना कहीं दब गई, लेकिन बुराइयां अपने आप में दिखती रही लोगों को। उदाहरण सीता हरण का है, हनुमान से वार्ता का है, अंगद से वार्ता का है। अपने शास्त्रों को छोड़ के उसने अपना दबाव डाला और कुछ नहीं किया उसने। और बाकी रावण की विद्वता के ऊपर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। रावण सबसे ज़्यादा विद्वान था, सबसे ज़्यादा धनी था, सिर्फ कमी ये थी मरते समय राम को एक ही बात कही थी रावण ने कि मेरे पास तुमसे सब चीज़ ज़्यादा है, पैसे में, शक्ति में, विद्वता में, लेकिन मेरे पास मेरा भाई नहीं है, इसलिए मैं आज मौत के मुंह में जा रहा हूँ, तुम्हारे पास तुम्हारा भाई खड़ा है। तो जब आदमी के कंधे से कंधा मिलाने वाला भाई होता है तब उस वक्त मानिए कि ये शायद बच जाता। ये हमारी बची हुई सेना के महामंत्री हैं, 100-200 ऐसे उधर भी खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं। जो राम का जयकारा नहीं लगाते वो रावण की सेना होती है। कहीं भी आप जाते हो उत्सव में, कभी जय घोष बोलते हैं तो आधे बोलते हैं आधे नहीं बोलते, जो नहीं बोलते वो रावण की सेना ही होती है। रावण का चर्चित जो डायलॉग है, एक ही चैलेंज करता है रावण जब सीता स्वयंवर में जाता है कि कर लेंगे अगर छोकरे हर एक ऐसे काम को तो दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। मेरे बिना ये काम कर सकता नहीं कोई, दिल से निकाल दीजिए ख्याल ख्याम को,
जी मैं आपने बता दूं कि दुर्गा मंदिर धर्मशाला में 20 साल बाद में रामलीला स्टार्ट हुई है। आप अभी ने एक बार दोबारा खड़े करने को प्रयास कर रहे हैं और जो दुर्गा मंदिर प्रांगण है इन्हें बनाने 20 साल हो गया, 20 साल में एक बार बटे एक बार रामलीला हुई है, फिर बाद में दोबारा बटे कोई रामलीला कौन खेली गई 20 साल बाद में। पहले करांता इन्हें आपने भट्टा कॉलोनियों में देखे, इन्हें कोई बड़ो स्वरूप देवा, बड़ा लोग कलाकार जोड़ा, बारू कलाकार बुला के मेहमान जोड़ के इन्हें भानुमति को कुनबो जोड़ियो एक हिसाबों, और बहुत बड़ो आयोजन कर रहे हैं जिके में बारो रावण के रूप में महाराज राज गिरिराज जी शर्मा है जिका टाउन में करता बाने अठे ले आया 50 साल का भाई दिग्गज कलाकार है। पिंगे बाद में मारे कने एक प्रेम दाई माँ जी है, दादी साहब है, वे रेलवे का बहुत बड़ा पुराना कलाकार है, 20-20 साल पुराना कलाकार है। जी हमारी सीता माता बैठी है भी 15-15-20-20 साल पुराना कलाकार है जिका अठे अपनी कला दिखाना आया। एक बात और पूछना चाहूँगा भाई साहब, मतलब जी हाँ थे पहली बार मतलब वापिस करना शुरू करे है तो अब दशहरा को भी आयोजन कर ला रहे हो, बड़ो सुंदर आयोजन है, तो परेशानियां तो पहले साल में तो व्यक्ति ने आवाही आवा परेशानी। मैं थाने बता दूं कि परेशानियां बिल्कुल बहुत बड़ी परेशानियां आई है, एक तो चंदे की बहुत बड़ी दिक्कत आई, दूसरा हमारी समिति एक बार पहली बार करवाण लाग रही है तो जिका नगर पालिका हूँ नगर परिषद हूँ चंदो मिले है वो भी माने कौन मिलियो बिल्कुल आपने जिका वो मान लो ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर जिको चंदो है वो मिलियो है माने। अपने साथ देखे ला रहे होते भगवान श्री रामचंद्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र खड़े है, इन्हें इन्हें बराबर में इनका भाई है विभीषण, और जो एक तरीका हूँ गरगा वेदी के एक तरीका हूँ जो भाई की जो लंका है बिना डादी आप बात कराएंगे भगवान श्री रामचंद्र जी से। गया भाई जी कितने टाइम बने लग रहे होते? 30 साल हो गए करीब। के संदेश देना चाहो आज के दिन दशहरे के दिन लोगों ने? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आज के दिन जो है बुराई पर अच्छाई की जीत है, ना कि अपने रावण को जला रहे हैं, रावण का एक बुराई का एक प्रतीक है जो उसको जला रहे हैं, ना कि रावण को जला रहे हैं। हर आदमी के अंदर एक बुराई होती है, आज का दिन यही है श्रेष्ठ के भी उस बुराई को खत्म किया जाए और चैन और अमन की जिंदगी जियो। जब आप रावण का दहन करें तो अपने मन की सारी बुराइयां, अपने मन के विकार, अपने मन की जो सोच है, जो गलत सोच है, गलत विचार है, उनका भी आज आप दहन करें और अपने मन को अच्छे से स्वच्छ करके यहाँ से जाएं और भगवान राम के जो शिक्षाएं हैं उनका जो जीवन है उसके पथ पर चलें। हनुमान जी संकट मोचन, एक बार पहला थारा परिचय दे दो। मेरा नाम दिनेश कुमार है और सन 1992 से बचपन से रामलीला खेल रहा हूँ और अब तक हनुमान का किरदार निभा रहा हूँ। बार बार होता रहेगा, जैसे राम जी ने चाहा वैसे वैसे मैं अपना किरदार निभाता रहूँगा। मेरा सबसे फेवरेट यही किरदार मुझे खुद को लगता है। के संदेश के देना चाहूँगा आज के दिन लोगों ने? यही कहूँगा कि सच को सच के साथ रहें और बुराइयों को तागें। खासकर ये मैसेज देना चाहूँगा युवाओं में कि नशे प्रवृत्ति से दूर रहें और अपने मन को साफ सुथरा रखे, हर व्यक्ति की सहायता का भाव रखे। देखा लग रहा होते मतलब इतना ज़्यादा उत्साह है लोगों ने दशहरे के प्रति, इतना ज़्यादा उत्साह है लोग बाग दशहरा है वो देखना वाला रहता है, 35 बाजियां हैं वाह लग रही है। दशहरा मैदान के अंदर जो दशहरा को सीन है वो अब अंतिम चरण के अंदर है, जो पुतला है इल्लावा से देखा ला रहे थे, कुंभकर्ण है बीच में, रावण है दशानन लंका का जो राजा है, इल्लावा से रावण को पुत्र है मेघनाथ, पल्लवा से रावण को भाई है जो कुंभकर्ण, और अब चंद दो चंद का ये मेहमान है पुतला आंगो है जो आग लगाने को काम करे जाओगे थोड़ी देर के अंदर है भगवान श्री रामचंद्र जी है जो मर्यादा पुरुषोत्तम, वे तीर छोटा का पहला पूजा आरती हो ला रही, वे तीर छोटा का बी के बाद के अंदर है जो पुतला को दहन होगा, सारा का सारा पुतला को दहन होने के बाद में हड़े भगदड़ है वह भी मचाई, क्योंकि आमतौर लोगों को मानना है कि जो पुतला के अंदर जो बांस हड्डी जो बच्चा है ये घरा रखना शुभ है करे बताओ, तो बी टाइम भगदड़ मचेगी, बी टाइम भी आप थाने सारी की सारी वीडियो लाइव दिखाऊंगा। वो देख ला रहे होते पुतला जो दहन है वो हो चुके है। देखा ला रहे होते भीड़ मतलब की तरीके आक्रोशित हो चुकी है भीड़, अब देखा गाड़ा किया भागती आओगी भीड़, अब सारा का सारा सबका सब जो रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का जो पुतला है, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का पुतला की जो मैं बताया था ने पहला बांगा जो अवशेष है
बे उठा उठा के लेके जाओगा और आपका घरा जाओगा। और लोगों को मानना है वो क्या ये अवशेष घरा रखने से घरा सुख समृद्धि रवे हमेशा। की तरीके की कोई बुराई को सहयोग को नहीं आवे। घरा हमेशा सुख समृद्धि कामना है वह हमेशा रवे। भीड़ देखे लाग रहे होते जो पुलिस का जवान है बांग अभी नियंत्रण में कोनी आवा लाग रही है। भीड़ इतनी ज्यादा भीड़ हो चुकी है और लोगा मतलब आपकी जान पर खेले लाग रहा है। आ पुतला के अंदर पटाखा भी है लेकिन लोगा ने अजे तक ये चीज कोई लेन देनो कौन जी भाई देव की तो मोटो बांस लेके जा रहे है। और ये देखो दो जना लड़न ला गया पुतला के खातर क्या आ चीज मैं लेके जाऊँ आप चीज मैं लेके जाऊँ। दोनों में संघर्ष चल रहे है क्या मैं लेऊंगा। तो वीडियो थाने की जिला की वीडियो के प्रति तारी के राय है के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके माने जरूर बतायो। चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो पास में दे बेल आइकन का बटन में दबा दो। इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। अंत में माने दो इजाजत मिला थरसा के नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय राजस्थान जय हनुमानगढ़।